ज़्यादा आते नहीं है और ना शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, ना चैनल पर लाइक्स आते हैं और ना चैनल इतना ग्रो कर रहा है। तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ, तो मुझे पता लगा कि मेरा चैनल जो है फ्रीज़ हो गया। तो गाइज आप लोग भी अपना चैनल फ्रीज से बचा सकते हैं, आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बातें हैं जो जो आपको ध्यान रखना है, आपका चैनल भी कभी फ्रीज नहीं होगा। जैसे कि आज मेरा हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रखते होंगे। तो गाइस आज मैंने अपना YT स्टूडियो खोला अपने ऐप फोन में, तो आज मैंने देखा कि उस पर वार्निंग आई हुई है। मैंने बहुत दिनों से देखा ही नहीं था उसको, आज मैंने खोल के देखा तो उसमें वार्निंग आई है और यूट्यूब चैनल ने मुझे वार्निंग दी है। और गाइस मैं भी बहुत दिनों से अपनी वीडियो डालता हूँ और सब चीज़ें डालता हूँ, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं है और ना शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, ना चैनल पर लाइक्स आते हैं और ना चैनल इतना ग्रो कर रहा है। तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ, तो मुझे पता लगा कि मेरा चैनल जो है फ्रीज़ हो गया। तो गाइस आप लोग भी अपना चैनल फ्रीज से बचा सकते हैं, आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कौन सी बातें हैं जो जो आपको ध्यान रखना है, आपका चैनल भी कभी फ्रीज नहीं होगा। जैसे कि आज मेरा चैनल फ्रीज हो गया, आप लोग ही उसको सही कर सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन आप एक लाइक ज़रूर कर जाएं जिससे मेरा चैनल जो है वापस से ग्रो करने लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए मेरा YT स्टूडियो खुल गया है यहाँ पर, और तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर स्ट्राइक है। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए एक्टिव कम, देखिए लिखिए एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो गाइस देखते हैं इसमें क्या स्ट्राइक आई है, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए गाइस ये जो मेरे पास आई है, देखिए कंटेंट डिलीट बाय द यूजर। तो गाइस मैं मतलब इसमें मतलब मैं अपने कंटेंट जो वीडियो बनाता हूँ उसमें से जो मुझे व्यूज़ कम आते हैं तो मैं उसको अपना उसको लाइक जो होते हैं मतलब उसको उड़ा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मुझे जब पता है उसको लाइक नहीं आते तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं नया अपलोड कर देता हूँ। तो इसलिए मेरे इस पर स्ट्राइक आ गई, वार्निंग दी है यूट्यूब ने अभी एक बार। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी मतलब इस चीज़ को बच सकते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग कभी अपनी वीडियो डालें तो उसको डिलीट नहीं करना है, चाहे उस पर व्यूज़ 2 आए या 5 आए या 3 आए। आज नहीं चलेगी तो आपकी 2-4-5 दिन बाद वीडियो चल जाएगी 100%, और नहीं चलेगी तो आप दोबारा दूसरी वीडियो डाल दें, लेकिन अपनी वीडियो जो है वो डिलीट ना करें। और दूसरी बात जो है गाइज वो ये है कि आप अपने वीडियो जिस चैनल पे मतलब कोई भी जो आप बनाते हैं, टैग बनाते हैं क्या, गेमिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप लोग वही वीडियो डालें, गेमिंग डालें या टैग डालें, जो भी डालें आप वही वीडियो डालते रहें, कि उसमें और मिक्स वाली वीडियो ना डालें। दूसरी बात, और तीसरी बात गाइस ये है क्या कहते हैं, आप उसमें जितने भी मतलब है हैशटैग वगैरह लगाते हैं वो 85 से ऊपर आप ना लगाएं। उसमें पॉइंट लिखा होता है 85 कि जितना भी आपको पॉइंट रखना है, तो आप हैशटैग जब वीडियो डालें तो उसमें 85 से ज़्यादा पॉइंट ना लगाएं, तो आपकी वीडियो सही रहेगी और आपका चैनल बिल्कुल सही रहेगा, आपके चैनल पर भी स्ट्राइक नहीं आएगी कोई सी भी। और अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आपके चैनल पर भी स्ट्राइक आ सकती है और आपका चैनल भी बंद हो सकता है यूट्यूब की तरफ से। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और देखिए मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई है अभी, और मैंने वीडियो खूब डिलीट करता था मैं डालता था डिलीट करता था, तो इसलिए आप लोग भी वीडियो डालें तो उसको डिलीट ना करें, अपने आप वीडियो चलेंगी और अपना आप चैनल ग्रो होगा, इसमें कुछ कुछ नहीं कर सकता कोई। और बहुत से यूट्यूबर बनाते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो, यूट्यूब पर कुछ भी आप कर ले आप कुछ भी नहीं कर सकते, यूट्यूब पर अपने आप ही यूट्यूब उसको फॉलो करता है, उसको अपना इंप्रेशन देता है, सिर्फ आप सही तरह से वीडियो डालें और सही तरह से आप उसको देखें और आप लोग इस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो गाइस मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि ऐसा ऐसा होता है प्रोसेस और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए सब चीज़ों में। तो आप लोग आगे तो वीडियो डालें तो आप ध्यान रखें उस चीज़ को, और प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर देके जाइए, क्योंकि हमारा चैनल फ्रीज़ हो गया है, आप लाइक दे देंगे तो उसको हमारा चैनल फिर से सही हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।